फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लोहे का पैन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक कप पानी। तो इस तरह से आप बड़े कप से पानी ले लीजिए। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही पानी में बबल्स आना शुरू हो जाए, फिर हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं यह कलौंजी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कलौंजी जिसे मंगरेल भी कहा जाता है, यह हमारे बालों को तेजी से लंबा और काला भी बनाती है। तो काला बनाए रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सफेद ना हो, और अगर सफेद हो गए तो इस नाइजीरियल सीड्स का आप यूज जरूर करिए। एक चम्मच के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसे ब्लैक अनियन सीड्स को इस वाटर में ऐड कर देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं मेथी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मेथी बहुत ज्यादा नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे स्कैल्प के रूट में जाके, बहुत ही अच्छी तरह से ये डीपली पेनिट्रेट होता है। और इन दोनों चीजों को इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने एक एक चम्मच यहाँ पे डाला है, पानी में बॉइल आना शुरू हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लेने वाले हैं करी पत्ता का लीव्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को करी पत्ता लीव्स नहीं मिलती है। देखिए, मैंने यहाँ पे ड्राई करके इस करी पत्ता लीव्स को ले लिया है। इस वाटर में आपको इस करी पत्ता लीव्स को ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। और जितने भी चीजें हमने यहाँ पे ऐड की है, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से इस वाटर में जब इन्फ्यूज हो जाए, जब इसका तत्व इस पानी में आ जाए, उसके बाद का प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, तो देखिये, सबसे पहले इसमें बॉइल आने देना है, और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करने वाले हैं चाय की पत्ती। तो एक चम्मच चाय की पत्ती आपको इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से इन सारी चीजों को बॉईल करना है। बॉईल तब तक करना है जब तक कि ये जो एक कप पानी था, ये आधे कप में टर्न ना हो जाए। हमारा जब ये पानी आधे कप में टर्न हो जाएगा, फिर उसके बाद का प्रोसीजर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। फिर फ्रेंड्स, और जरूर करिएगा लाइक। बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से कि आप एक लाइक देते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसे शेयर करिए अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स के साथ में। तो चलिए, इसे अच्छे से बॉइल होने देते हैं हम सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बॉइल हो रहा है और इसका कलर भी कैसे चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चाय पत्ती। आप चाहें तो इसमें कॉफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में ये जो बहुत बड़ी इसे बड़ी इलायची कहा जाता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है आयुर्वेद में। आप लोगों को पता है बड़ी इलायची बालों को नॉरिशमेंट देती है, स्कैल्प से रूट में आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग बनाती है। हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होने के साथ साथ में बालों को जड़ों से ये काला बनाने का काम करती है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से, इसे कहते हैं बड़ी इलायची, बड़े कमाल की बड़ी इलायची। इसे आपको लेना है, बस एक यहाँ पे बड़ी इलायची लेना है कुछ इस तरह से आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, और क्या करना है, इसे इस वाटर में आपको इस तरह से खोल के, इस तरह से बड़ी इलायची मिल जाए, आराम से मिल जाती है, हमारे इवन किचन में भी होती है। तो देखिए, इस तरह से आपको ओपन कर लेना है और इनके बीज निकाल के इसमें आपको ऐड कर देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा जैसे कि गंजेपन के शिकार हैं या फिर बाल नहीं आते, तो देखिए इन बीजों का आपको इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो इसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो सारी चीजें हैं ये वाटर में ऐड होके पूरा अच्छी तरह से ये हमारे बालों को नॉरिशमेंट देने वाले, जितनी भी चीजें हैं नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट होने वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो आपके जो बाल है ना, अगर बाल पतले हैं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, बाल बढ़ते नहीं है और बालों में गंजापन आ गया है, और बहुत जगह पे ऐसे होता है कि आपके खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह लग गई है, अगर हेयर में किसी भी कारण से बालों में कोई भी समस्या है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो इन चीजों का आप इस्तेमाल जरूर करिए। बाल अगर सफेद हो रहे हैं, प्री मैच्योर ग्रोइंग हेयर की प्रॉब्लम है, तो इसी तरह से आपको इसे प्रिपेयर करना है। और इससे देखिए, अब ये पानी जब आधा हो जाए, फिर इसके बाद स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे अलग कर लेंगे, और उसका प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से इसे आपको अप्लाई करना है अपने बालों पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाउल ले लीजिए, उस बाउल में आपको यहाँ पे ऐड करना है आंवला का पाउडर। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने आंवला पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे ये जो हमने वाटर लिया है, इसी तरह से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, इसका पानी जो है, देखिए इस तरह से हमें स्ट्रेन करके ले लेना है, और आपके अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए, इन सारी चीजों को आपको फेंकना नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की चीज है। फ्रेंड्स इसे आप अपना रीयूज कर सकते हैं, अपने बालों पे फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरह से छान लेना है, और हर एक चीज को, इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
आंवला हमने इसमें इसलिए ऐड किया कि हमारे बालों को विटामिन सी मिलता है तो हमारे बाल काले लंबे और मजबूत होते हैं। ये देखिए इस तरह से ये वाटर आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये वाटर आपको अपने बालों पे जब भी आप नहाने जाते हैं उससे आधे घंटे पहले इसका स्प्रे करके अपने बालों पे इसे छोड़ दीजिए। हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होगी, जो सफेद बालों की समस्या है उसे छुटकारा मिलेगा, बाल काले होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे, मजबूत होंगे और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और इसका स्प्रे करने के बाद आप अपने बालों पे छोड़ने के बाद आधे घंटे के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए, हेयर वॉश कर लीजिए किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से। इसका लगातार इस्तेमाल करने से आपके बाल जो है ना अच्छी तरह से नॉरिशमेंट रहेंगे और सफेद बालों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी DIY कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। सो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।